सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज अपन खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट, और आज से अपन स्टार्ट करेंगे माइनक्राफ्ट की एक नई सीरीज जो कि है माइनक्राफ्ट मेगा ब्लॉक। सो अपना सीरीज का टारगेट रहेगा इन सारे के सारे ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करना और एंडर ड्रैगन का खात्मा करना। मतलब यार, हम कितने अजीब हैं, अपनी सर्वाइवल सीरीज में तो एंडर ड्रैगन मारा नहीं और मेगा ब्लॉक सीरीज में मारने जा रहे हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अपने पास कुछ काउज हैं और यहाँ बहुत सारे मेगा ब्लॉक्स हैं, तो काउज को तो नहीं मारना है भाई, वो बहुत ज़रूरी है, खाने का एकदम वही स्रोत लगता है। तो यहाँ नीचे एक चेस्ट है, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और काफ़ी अच्छा कैंप फायर वगैरह है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो अपन इन सबको लेके ऊपर प्लांट कर दे रहे हैं जिससे अपन को वुड की कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ये ले ले रहा है, एक ये ले ले रहा है। हमें पता है कि हम मरने वाले, और अगर ज़्यादा सामान लेके जाएंगे तो सारा सामान चला जाएगा। और यहाँ आइटम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ आइटम्स खोने नहीं है। अगर यहाँ आइटम्स चलेगा तो यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एक यहाँ प्लांट कर दे रहा है और एक यहाँ प्लांट कर दे रहा है। आई डोंट थिंक सो ये गौ माता इससे मर जाएगी। अब अपन को जाना है सामने वाले ब्लॉक पे, क्योंकि वहाँ हमें वुड दिख रही है और हमें वुड की सख्त ज़रूरत है। तो अपन उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, तो अपन जल्दी से डर्ट माइन कर ले रहा है, यही तरीका है भाई वहाँ तक जाने का। क्योंकि पेड़ जब तक ग्रो होंगे तब तक तो हम बूढ़े हो चुके होंगे, तो हमें डर्ट ही माइन करनी पड़ेगी। हमें पता नहीं है कितने ब्लॉक्स लगेंगे, लेकिन आई थिंक सो हमें 20 ब्लॉक तो माइन कर ही लेने चाहिए। और कहीं अगर आप लोगों को भी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ही सब्सक्राइब कर देना, जिससे अपन और भी ऐसी सीरीज बना सकेंगे। और ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, लेकिन भाई ये पिकैक्स ही टूटेगा, हाथ से तो बहुत टाइम ले रहा। तो ये 13 हो गए अपने पास। आई डोंट थिंक सो कि अपन इतने पहुंच पाएंगे, अपन को और ब्लॉक की ज़रूरत है। और ये पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, टूट नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको भी तोड़ ले रहा है। एटलीस्ट हम 20 ब्लॉक लेके जा रहे हैं, 20 ब्लॉक में तो अपन पहुंच ही जाएंगे। तो अब चलो ट्राई कर रहा है। 20 ब्लॉक अपने पास हो गए और अपन करेंगे बेड रॉक वाली ब्रिजिंग। मजाक कर रहे हैं, बेड रॉक वाली ब्रिजिंग नहीं आती, अपन एकदम सिंपल क्राउच वाली ब्रिजिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ मरना नहीं है। अरे यार, ऐसे ब्रिजिंग करना तो भाई बहुत मुश्किल है भाई, हम जावा वाली ही कर रहे हैं, वही बेस्ट है ब्रिजिंग। बेड रॉक वाली है भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस हम ब्रिजिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भाई हमें अच्छे से आती है वाली ब्रिजिंग, एकदम आराम से ब्रिजिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, मरने का कोई खतरा नहीं है। वरना फास्ट ब्रिजिंग करो और सामने लिखा आ जाता है कि यू आर डाइड। और भाई इस मैप में तो मर भी नहीं सकते, क्योंकि ये मैप में रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अपन यहाँ पर वुड वाले मैप में तो आ गए, तो अब यहाँ पर अपन को वुड माइन करनी है। आई थिंक सो हम वापस चले जाएंगे, डबल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस वाले को तोड़ रहे, और नीचे कुछ ना, नीचे कुछ ना, ओ भाई साहब बच गए। हमें लग ही रहा था नीचे कुछ ना कुछ होगा। ये स्केलेटन भी है यार, एक काम कर रहे, इसको ना धूप में ला रहा है, इसको थोड़ा खुला रहने दो, ये अपने आप मरेगा। मर गया क्या भाई? हमें डर लग रहा है यार नीचे आने में, मरा कि नहीं मरा। थोड़ी और वुड माइन कर लें क्या? अगर सच में अंदर से खोखला है फिर तो यार पूरा मूड ऑफ हो गया हमारा, ऐसे ही माइन करना पड़ेगा। अब तो इसको कलेक्ट कर ले रहा है, ऐसे जुगाड़ से माइन करना पड़ेगा अगर अंदर से खोखला है तो। इस वाले को ही माइन कर ले रहा है धीमे से, तो इस वाले को ही माइन कर लिया। नीचे कूद जाए क्या यार? चलो कूद ही जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा, हम कूद जा रहे हैं। तो यहाँ आ गए, ओ चलो स्केलेटन तो अच्छी बात है मर गया। और थोड़ी बहुत हेबेल है आई थिंक सो, अपन को फूड के लिए दिया हुआ है, हमें तो ये लगता है। सामने डायमंड्स है भाई, डायमंड्स में भी अपन जाएंगे, और भाई कितने सारे डायमंड्स हैं यार, मतलब मज़े ही आ जाएगी। और यहाँ पे भाई तीर पड़े, हमें लगा था हड्डी मिलेगी यार, लेकिन चलो तीर भी ठीक ही है अब जो मिलना था। तो लेकिन ये सही तरीके से प्लांट नहीं है शुगर केन, रुका मैंने सही तरीके से प्लांट कर दे रहा है। तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, इधर पे और इधर पे भी लगने हैं थोड़े बहुत। तो आई थिंक सो इनको ऐसे ही प्लांट करना है, मतलब ये अपना काम है क्या कि अपन को ऐसे प्लांट करना है? हमें तो लगता है अपना काम है। तो अपन जल्दी ये सबको प्लांट कर दे रहा है, एक यहाँ पे भी लगेगा और कम पड़ गए यार फिर से। तो ये दोनों तो हैं अभी, इनको भी तोड़ दे रहा है। तो यहाँ से इसको तोड़ो, इसको भी तोड़ो और इसको भी तोड़ो, और यहाँ पे भी एक जगह है तो इसको यहाँ प्लांट कर दे रहा है। और आई थिंक सो पूरी जगह कवर हो गई है, बस एक जगह बची, तो इसको यहाँ प्लांट कर दो ऐसे। और सब जगह हो गई ना आई थिंक सो? हाँ, कोई जगह नहीं छूटी, बस तीन जगह छूटी हैं। तो एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब एकदम एग्जैक्ट दिए गए थे, इतने ही थे अपने पास, मतलब एकदम यही काम करना था। सो यार, हमारे हिसाब से तो शुगर केन के साथ यही करना था। और यहाँ पे हेबेल पड़ी है तो भाई निकाल लो, क्योंकि खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक हमें लगा था कि यहीं पे खाना नहीं मिल रहा, चलो फाइनली खाना मिल गया। और ये इससे दूर रहो, ये ख़तरनाक चीज़ है। और यहाँ पेड़ भी है यार, ये सही चीज़ है, हम वुड लेके वैसे भी नहीं आए थे, तो यहाँ पर माइन कर सकते पेड़ को। और इसकी सैपलिंग जो होगी हम यहीं पर प्लांट कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्राफ्टिंग टेबल बना ले रहे हैं और बहुत सारा खाना बना ले रहे हैं। तो इसको यहाँ रख के अपन जल्दी से बना ले रहे हैं ब्रेड, क्योंकि अब अपन की भूख की दिक्कत एकदम खत्म हो गई। तो यहाँ पे अपन पूरी हेबल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम मरने वाले हैं, पहले से पता है हम मरने वाले, और हम इसलिए सारी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यार अपन को पता हो कि अपन मरने वाले हैं, तो अपन को रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज हैं। तो ये भाई प्लांट हो गया, और ये भी चलो पूरा माइन हो गया पेड़। अब इसकी सैम्पलिंग जब भी गिरेगी और तो अपन प्लांट कर ही देंगे। फिलहाल के यहाँ पे प्लैंक्स बना ले रहे हैं, तो 12 प्लैंक्स ही बने। तो चलो बेसिक टूल्स तो अपने बन ही जाएंगे, जो कि पिकैक्स और एक तलवार बना ले रहा है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पे कौन सा मॉब मिल जाए, आई डोंट नो। तो एक तलवार ही बना ले रहा है, और एक शवल बनानी चाहिए क्या हमें? शवल और एक अपन स्टोन की ही बनाएंगे, जो अपन को स्टोन मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही बहुत है। और ऊपर शायद एक चेस्ट रखी हुई है, चलो उस चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर क्या है भाई? भाई कुछ खतरनाक ना, हम दूर से खोलेंगे। वो अंडे हैं,
अरे शीप का स्पॉन है गए भाई, 4 शीप के स्पॉन है गए। ये तो बहुत बेहतरीन होगी, मतलब अपन को यहाँ से हेबेल से वीट कन्वर्ट करना है और फिर इनको ब्रीड करना है। तो ये तो काफ़ी सिंपल काम है, अपना बेड यहीं पे बन जाएगा। रुको हम इनको ब्रीड करा जल्दी से। एक हेबेल से 9 मिलती हैं अपन को, तो आराम से ब्रीडिंग हो जाएगी इनकी। लो खाओ जल्दी से ब्रीड करो। एक इसको, दूसरी कहाँ गई, और ये इधर है। तो एक इसको अभी लोग ब्रीड करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे और अपने पास हो जाएगा वूल और अपन बना पाएंगे बेड। क्योंकि यार रात होगी तो बेड की तो बहुत ज़रूरत है, वरना मॉब्स आ गए तो बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ से गिरते हैं ना सीधा वॉइड में ही गिरते हैं, तो क्या पता वो लोग हैं वॉइड में धक्का दे दें। तो यहाँ पर अपना बच्चा तो पैदा हो गया है, तो अपन क्या ऊपर ही से निकल जा रहा है भाई। उसको आग लग गई, उसको आग लग गई। अरे क्या करें क्या करें, इसको तोड़ दे रहे। हाँ जल्दी जा, जल्दी 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 जा। अरे जा नहीं रही यार, क्या पागल। अरे यार वो पहुँच गई थी यार ऑलमोस्ट भाई, इसने भाई ये बुझ भी नहीं रही यार, क्या बेशरम कैंप फायर है। ये बुझती कैसे है, इसको तोड़ भी नहीं सकते हम। ये क्या बात हुई, हम इसे तोड़ क्यों नहीं सकते। लगता है ये कोई इस मोड का सेटिंग है, हम इसे तोड़ नहीं सकते, लेकिन बुझा तो सकते हैं ना। आई थिंक सो हमें शवल की ज़रूरत होगी इसको बुझाने के लिए। भाई इसने हमें शीप मार दी यार फालतू में। इसके ऊपर ब्लॉक रख दें क्या, नहीं टूट रहा यार ये, पता नहीं क्यों। चलो यार हम एक काम कर सकते हैं। अरे ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, शेट 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 भाई भाई भाई, ये भी गई। अरे पानी में जा यार, पानी में जा। अरे पानी में नहीं जा रही यार भाई, क्या यार ये भी मर गई भाई, हमारी दोनों शीप्स मर गई यार। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहिए था, अब तो हम इस कैंप फायर को बुझा के ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। सबसे पहले तो अपन अपनी क्राफ्टिंग टेबल निकाल ले रहा है, हमें शवल बनानी चाहिए क्योंकि हमने अपने ब्रिज वाले वीडियो में शवल से ही सारी सारी कैंप फायर बुझाई थी, तो मे भी शायद शवल से बुझ जाए। अरे यार वो बना लिया हमने, चलो शवल बन गई फाइनली। अब ट्राई करते हैं, प्लीज़ यार बुझ जाना क्लिक। ओ चलो एटलीस्ट ये तो बुझ गई। अब मतलब अब जो शीप आएंगी वो नहीं मरेंगी कम से कम। ये बहुत बड़ी बेकार चीज़ हो गई यार, दो शीप आई फालतू में मर गई लिटरली। हमें बहुत गुस्सा आ रही यार, दो शीप फालतू में मर गई। लेकिन यार ये लोग यहाँ से बाहर भी तो गिर सकते हैं, तो गाइस हम एक मिनट लगा के कुछ जुगाड़ बना रहे हैं इसके लिए। सो गाइस यहाँ पे आप देखो हमने जुगाड़ बना दिया, हमने 2 ब्लॉक हाई कर दिए वॉल, तो अब यहाँ से शीप बाहर भी नहीं गिरेंगी। आग अपन ने बुझाई दी है, तो हमें नहीं लगता शीप्स के लिए कोई भी खतरा है। तो यहाँ पे यार लास्ट 2 ही एग्स बचे हैं, अगर इस बार भी शीप मरी ना तो फिर हमारा यार वूल का सोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पॉन कर दे रहे इसे, और ये तो इसकी मम्मी बन गई ऑब्वियसली, तो इन दोनों को ब्रीड करा दे रहे, और इनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई 4 लोगों की। चलो ये अपने एक अच्छा काम किया, और ये कहीं से पक्का नहीं गिरेंगी ना यार। अगर अब भी मर गई ये तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इतना करने के बाद भी अगर ये मर जाएंगे तो क्या ही फ़ायदा। और रात भी हो गई है यार, यार हमें लगता है एक शिप को मारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 वूल तो है ही यार। एक शिप को मार दें क्या, रात तो हो गई है, वूल के बिना तो अपनी रात कटेगी नहीं। तो अफसोस यार आपको मरना पड़ेगा। किसको मारें, इसको मारें, किसको मारें। अरे यार किसी एक को तो मारना ही पड़ेगा, इसको मार रहे। अब तुम मैं हिट नहीं खाना चाहिए, हाँ तुम मर जाओ यार, सॉरी बट आई हैव टू किल यू बिकॉज मेरे को बेड बनाना है। क्योंकि अगर हमने रात स्पेंड नहीं की तो कोई भी रात स्पेंड नहीं कर पाएगा। अरे वुड भी नहीं है यार, इसी को माइन करना पड़ेगा। तो यार आप कौन ही बनाए, पिकैक्स ही माइन कर ले रहे, बस बाहर ना गिर जाइए वुड। वो भाई अंदर कोई कमरा है यार, ये सीक्रेट कमरा है क्या, यहाँ जाके देख रहे क्या है। वो भाई यहाँ पूरा रास्ता है, अंदर चेस्ट हो भाई प्लीज़ चेस्ट। अरे यार यहाँ कोई चेस्ट नहीं है, हमें लगा था मस्त यहाँ पे कोई सीक्रेट चेस्ट छुपा के रखी होगी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, इस गड्ढे को ही बंद कर दे रहे। पता चला हम कभी यहाँ पे आए और इसके अंदर मॉब स्पॉन हो गए और हमें मार दें, तो इस गड्ढे को हम बंद कर दे रहे इस तरीके से। और अपने पास अब 2 वुड तो हो ही गई हैं, तो अपन यहाँ से बेड बना सकते फाइनली। तो चलो अपन फाइनली यहीं पे सोएंगे, ऊपर तो हम जाने नहीं वाले, ऊपर मॉब्स हैं तो हम तो यहीं पे सोएंगे आराम से। तो चलो फाइनली अपना पहला दिन माइनक्राफ्ट मेगा ब्लॉक में कंप्लीट हो गया। सो गाइस हम सारी की सारी जरूरी रिसोर्सेज को इसी चेस्ट के अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हम बाहर निकलते ही मर जाएंगे और हमें नहीं चाहिए कि हमारी सारी सारी रिसोर्सेज चली जाएँ। तो हम बस कुछ चीज़ें रख ले रहे और बाकी सारी चीज़ें यहीं डाल दे रहे हैं। ये एरो भी डाल दो, ये वीट भी, और आई थिंक सो ये अपने पास रख ले रहा है। और खाना तो आई थिंक सो इतना बहुत है, ये हो भी यहीं डाल दे रहा है। और क्राफ्टिंग टेबल तो अपन को लगेगी यही, और ब्लॉक्स तो खैर चाहिए ही पड़ेंगे, तो इतना बहुत है। तो अब यहाँ से अपन इजीली ऊपर चढ़ सकते हैं। अरे ऊपर वाला ब्लॉक भी तो तोड़ना पड़ेगा, हम काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हैं यार। और पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, हाँ एकदम कन्फर्म है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक काम कर रहे, इनकी जाते जाते एक और बार ब्रीडिंग जरूर करवा दे रहे, इसको भी तोड़ लो। तो चलो इतनी वीट बहुत है इनकी ब्रीडिंग के लिए, तो यहाँ पे अपने पास 27 वीट आ गई है। आ जाओ बच्चा लोगों, एक को बड़ा करना पड़ेगा हमें एग्जैक्टली, तो इस वाले को बड़ा कर दे रहा है। अरे एक ही को बड़ा करना है यार, हमें 2 लोगों को बड़ा नहीं करना, तो इस वाले को बड़ा कर दे रहा है। खा बेटा, चलो ये बड़ा हो गया और इन दोनों की ब्रीडिंग करवा दे रहा है। और लो इनका पूरा परिवार कंप्लीट हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हम यहाँ से जा सकते हैं। तो एक्सपी कलेक्ट करके यहाँ से अपन फटाक से निकलते हैं, तो यहाँ से सीधा ब्रिजिंग ही कर ले रहे क्या। अरे यार ये बच्चा पीछे आ रहा, तो वीट को यहाँ डाल के अपन जल्दी से ब्रिजिंग करके ऊपर निकल रहे। और ये ब्लॉक्स को तोड़ लो, तो यहाँ पे ब्रिजिंग करते हैं। अरे यार ये ब्लॉक्स कभी कभी हाथ में नहीं आते, तो इस ऊपर वाले ब्लॉक को अब तोड़ना पड़ेगा। प्रो लोग जो होते हैं ना वो प्लैंक को शवल से ही तोड़ते हैं, आपको लगता होगा प्रो लोग एक्स से तोड़ते हैं, लेकिन नहीं, प्रो लोग जो होते हैं वो शवल से ही प्लैंक को तोड़ते हैं, आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं, और भाई इस सीरीज में लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली,
क्योंकि इतने सारे ब्लॉक्स हैं और इन्हें एक्सप्लोर करने में बहुत ही ज़्यादा मजा आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस एपिसोड को एंड करने से पहले हम सोच रहे हैं अपन स्टोन में और अपग्रेड कर लें, तो सामने वाले प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहाँ से स्टोन माइन करके स्टोन में और अपग्रेड कर ले रहे हैं। और भाई ब्रिजिंग करने में तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है, हमें बस लगता है कि अब मरे भाई इतना ऊपर। एक तो यार पता नहीं मैप बनाया कैसे इन लोगों ने, तो यहाँ पे वाला ब्लॉक अरे लगे यार यहाँ पे एक और, बस थोड़ा पास में बस पहुँच ही गए। हमने वैसे काउंट किया है 15 ब्लॉक लगते हैं पहुँचने में, इतना हमने काउंट किया अभी तक 15 ब्लॉक्स के आसपास लग जाते हैं दो ब्लॉक्स के पीछे ट्रैवल करने पर। तो यहाँ पे एक और, अरे यार ब्लॉक्स नहीं लगते भाई, कभी कभी गुस्सा आने लगती है हमें। चलो फाइनली एक और लो अपन इस वाले ब्लॉक में पहुँच गए। और यहाँ पे ऑब्वियसली ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे रात में, उनका रॉटन फ्लैश पड़ा है, उठा ले रहे हैं, मे भी शायद कुछ काम में आ जाए। और ये रहा स्टोन, जल्दी से इसको माइन कर ले रहे हैं। और भाई ये भी अंदर से खोखला है यार, क्या भाई ये भी अंदर से खोखला है, हमें लगा था खोखला नहीं होगा लेकिन ये भी अंदर से खोखला है। अंदर कोई मॉब है क्या? नहीं यार अंदर कोई मॉब तो नहीं है, हम चले जाएँ क्या अंदर सीधा? एक काम कर रहे हैं यहाँ पे एक गड्ढा बना ले रहे हैं, अगर कोई मॉब हुआ तो भागने में आसानी होगी, तो यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बना ले रहे हैं। इतना बड़ा आई थिंक सो बहुत है, अब हम नीचे जंप लगा सकते हैं, पेड़ पे जंप लगा रहे हैं यार, पता चला इतनी ऊपर की हाइट से हम मर ही जाएँ तो पेड़ पे जंप लगानी चाहिए आई थिंक सो हमें। और हमें नहीं लगता भाई अंदर कोई मॉब है, तो यहाँ से हम जा सकते हैं पेड़ पे इजीली, तो यहाँ और फिर यहाँ। वो भाई यहाँ पे अच्छा है कोई मॉब नहीं है और चेस्ट भी नहीं है यार यहाँ पे, तो कोई हमें लगता है एटलीस्ट एक चेस्ट तो होगी। चलो कोई बात नहीं, स्टोन ही माइन कर ले रहे थोड़े बहुत। और भाई ये पूरा अंदर से खोखला है, मतलब ज़्यादा स्टोन नहीं मिलेंगे इससे, लेकिन चलो अब जितने मिल रहे हैं उतने ही ले ले रहे हैं। तो ये ज़मीन में भी थोड़े और स्टोन लगे हैं, और ये ब्लैक ब्लैक आई थिंक सो कॉन्क्रीट है, हमें तो कॉन्क्रीट ही लग रहा है। इस साइड भी देख ले रहे हैं, हाँ भाई ये पूरा होलो ही है यार, इतना होलो नहीं बनाना चाहिए था भाई इन लोगों को, मतलब अंदर थोड़े ब्लॉक्स भर देते अगर तो कम से कम माइन तो कर पाते। अब तो भाई यहाँ माइनिंग के लिए कुछ है ही नहीं, ज़मीन के अंदर से माइन करें क्या भाई? एक ब्लॉक भाई खतरा है, नीचे हम जा सकते। ये ओ भाई भाई आपने देखा क्या सही टाइम पे हमने भाई हटा लिया, अगर हम कॉन्स्टेंटली सीधा डिक करते ना दो ब्लॉक के बाद हमारी मौत थी, हम क्या बचे हैं यार। हमें लग ही रहा था कि नीचे ब्लॉक्स नहीं होंगे इसलिए हमने ऊपर से खोदना शुरू किया, और भाई क्या सही टाइम पे डिसीजन लिया हमने। तो चलो जितने ज़मीन पे ब्लॉक लगे हैं वो भी ले ही ले रहा है, आई थिंक सो 22 ब्लॉक्स हो गए हैं, इतने अपना स्टोन अपग्रेड तो हो ही जाएगा। सो फाइनली अपन स्टोन अपग्रेड कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक पेड़ था हमने उसी से काट के प्लैंक्स बना लिए, हमारे पास प्लैंक्स भी नहीं थे और हम स्टोन अपग्रेड करने चले थे, तो एक स्वॉर्ड बना ले रहे हैं, एक पिकैक्स बना ले रहे हैं और एक एक्स बना ले रहे हैं। सो फाइनली गाइस अपन ने स्टोन में भी अपग्रेड कर लिया है, और आई थिंक सो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। सो गाइस आज के एपिसोड के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।